आज जब से वोडाफोन और आइडिया एक हुई हैं तब से लगातार वो अपने आप को मार्केट में बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जब से जियो मार्केट में आया है तब से बाकी टेलीकॉम कंपनियों की नींद उड़ा रखी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या वोडाफोन आइडिया एक हो जाने के बाद भी जियो को टक्कर नहीं दे पा रहा है? ऐसे में ये सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या वोडाफोन आइडिया इतने बड़े हो जाने के बाद भी जियो का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या जियो जिस तरीके से अपने प्लान के दम पर आके बढ़ रहा है, या अपनी सर्विसेज के दम पर, या वोडाफोन आइडिया अपनी सर्विस के दम पर पीछे हो रही हैं? ये सारी बातें हैं, ये सारे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं बात सवाल टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर आ रही है कि अगर ऐसे ही रहा तो क्या सिर्फ भारत में जियो ही नज़र आएगी या अपने आप में नज़र आता है? क्योंकि जियो के नेटवर्क को लेकर भी लगातार अभी बात सामने आई है कि जियो के नेटवर्क भी इस वक्त अव्वल हैं। यानी अगर हम बात करें जिस तरीके से अभी सर्वे किया गया ट्रेन में सफ़र के दौरान और बाकी रोड के जरिए भी सर्वे किया गया, तो जियो के नेटवर्क ज़्यादा बेहतर आए। तो ऐसे में आप हमें बताएं कि क्या वोडाफोन आइडिया जियो को टक्कर दे पाएगा? क्या वोडाफोन आइडिया दोबारा से खड़ा हो पाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट 9 टेक के लिए काशिश रिपोर्ट।